जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ मॉडर्न इंडिया सीरीज़, ठीक है, तो उसी को तवज्जो देते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का सीरीज़। और स्पेशली जो सेकंड टॉपिक था, ब्रॉडर टॉपिक ब्रिटिश पॉलिसी, उसके अंतर्गत आज हम लोग दो पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज़ योर फेमिन पॉलिसी, जो सूखा अकाल जो आता है उसके ऊपर पॉलिसी क्या था ब्रिटिश का। ठीक है दोस्तों, कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग से कहा था कि आप मेरे बात को सुनो, समझो बढ़िया से, और उसके बाद जाके मॉडर्न स्पेक्ट्रम जो किताब मैंने पिछले वीडियो में आपको सजेस्ट किया था उसको जाके पढ़ लो, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, 360 डिग्री क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये मेरा नोट्स है, इस नोट्स से मैं जो भी बच्चे आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में मैं उसको पढ़ाता हूँ, बिना नोट्स को तो पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मुझे याद है सब कंटेंट्स, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो याद नहीं है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा नोट्स का हेल्प लेना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ाने का तरीका क्या होगा मेरा। सबसे पहले मैं आपको माइंड मैप बताऊँगा एक आसान तरीके से कि ये इवेंट्स हुआ, उसके बाद फिर मैं उसको उसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करके ब्रॉडर वे में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ योर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसी बनाया, जो भी उसका कॉलोनियल पॉलिसी था, वो सभी में क्या है, टिंज है। टिंज मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट छुपा हुआ था। और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी में, हर कॉलोनियल पॉलिसी में ये देखा गया कि जितने भी पॉलिसीज बनाए वो एक क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, वो इनकम जनरेट करने का एक तरीका था, समझे दोस्तों, मतलब मनी को एक्सप्लॉइट करने का तरीका था। और उसमें से एक तरीका जो कि सबसे ऊपर तरीका था ब्रिटिश के लिए, डैट इज़ योर लैंड रेवेन्यू, कि ज़मीन से क्या करना है, लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसके लिए अलग अलग तरह से सेटलमेंट करना होगा, यानी कि अलग अलग पॉलिसीज होना, और मतलब पॉलिसी को इनक्रॉप्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या है आपका, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों, दैट इज़ योर कॉल जमींदारी सेटलमेंट। ये क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सेकेंड वन इज़ योर रोतवारी सेटलमेंट, ठीक है। थर्ड वन इज़ योर महलवारी सेटलमेंट। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट थे, मगर सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीन, ये तो तीन पढ़ना ही है, परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट। देखिए दोस्तों, जितने भी पैसे यहाँ से अर्जित किया जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था, किससे, परमानेंट सेटलमेंट से हो या रोहितवाड़ी सेटलमेंट से हो या फिर मालवाड़ी सेटलमेंट से हो, वो पैसे एक्सट्रैक्ट करके कहाँ खर्च करते थे, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ट्रेड में, या फिर फाइनेंस कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म क्या है दोस्तों, जैसे बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना, वेंचर कैपिटल को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। तो ब्रिटिश क्या करते थे, इस सब सेटलमेंट से क्या करते थे, पैसा लेते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे और यहाँ पे खर्च करते थे और अपने मार्केट को आगे बढ़ाते थे। और वो इंग्लैंड में पैसे को, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से पैसा बहके चला जाता था लंदन की ओर। अब ये हो गया छोटा भूमिका। अब मैं बताऊंगा दोस्तों हुआ क्या, स्पेशली परमानेंट सेटलमेंट को लेके हुआ क्या था। तो उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बंगाल, बंगाल में सिंपल देखा जाए तो दो युद्ध लड़ा गया था उस समय, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है दोस्तों। उस समय कौन थे गवर्नर, उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट के अंदर क्या था कि दो ब्रांच था, एक दीवानी था, एक निजामत था। निजामत इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और दीवानी फॉर योर टैक्स कलेक्शन। मैं इसमें क्या हुआ कि घपलाबाजी बहुत ज़्यादा होने लगा, करप्शन बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम है वरिंग हस्टिंग, ठीक है, 70 के टाइम में थे ये, 70s के टाइम में, 1770s के टाइम में। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या हुआ, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम था, क्या था ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, दीवानी और निजामत, निजामत इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, इसको रिमूव कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। और वरिन हस्टिंग ने इंग्लिश कलेक्टर, जो आप जिसका आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहला गढ़ सिविल सर्विस का, सबसे पहला जो बोलते हैं कि सीड किसी ने गाड़ा तो वो वरेन हस्टिंग ही थे। उसके बाद आगे बढ़े, आगे गया तो 1775
और 80 के टाइम में एक डिबेट खड़ा हुआ, ठीक है, थिंक टैंक वहाँ पर आए, थिंक टैंक स्कॉलर्स, सोचने वाले विचारक स्कॉलर्स का एक बैठ हुआ, एक डिबेट हुआ, बैठे लोग सब साथ में, और उसमें कौन से लोग थे, अलेक्जेंडर डैवे थे, फिलिपिन फ्रेंसिस थे, हेनरी पटुलो थे, ठीक है दोस्तों। ये तीन आदमी का नाम मैं फिर से बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ये मैं माइंड मैप बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये जब तीन आदमी का जब चिंतन हुआ है, डिबेट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, दो स्कूल ऑफ थॉट हुए। स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या कि दो अलग अलग विचारधारा यहाँ से प्रकट हुए, ठीक है। पहला विचारधारा का नाम था जेम्स ग्रांट स्कूल और दूसरे विचारधारा का नाम था जॉन सोर स्कूल। अब देखिए, जो जेम्स ग्रांट स्कूल था, इसका कहना ये था कि जमींदार, समझ गए, जमींदार मतलब जो ज़मीन के ऊपर पैसा उठाएंगे, जमींदार को आप पूरा ओनरशिप मत दीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों, ये सब मैं जितना ही बता रहा हूँ, ये हम लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के लिए कर रहे हैं। अब ब्रिटिश क्या है कि ब्रिटिश एक ऐसा मौका के तलाश में है, वो क्या करे कि लैंड को जाके क्या करे, पैसा कलेक्ट करे, समझे दोस्त, जाके पैसा क्या करे, कलेक्ट करे। तो जो जो दो स्कूल्स हुए हैं, पहला स्कूल जेम्स ग्रांट स्कूल और जॉन सोर स्कूल, जेम्स ग्रांट स्कूल क्या कहता है कि जमींदार को आप परमानेंट ओनरशिप मत दीजिए लैंड के ऊपर, और दूसरा जो है, दूसरा जो स्कूल है डैट इज कॉल्ड जॉन सोर स्कूल, ये कहता है कि आप दे दीजिए, आप जमींदार को क्या करिए, परमानेंट अधिकार दे दीजिए। जब ये दोनों का भिड़ंत होता है तो उसमें जॉन सोर स्कूल का जीत हो जाता है, ठीक है, और वहीं से बनता है आपका सोर माइन्यूट, माइन्यूट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सोर माइन्यूट क्या है कि आपको जमींदार को पूरा ओनरशिप आप दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब जब ये ओनरशिप के बाद ही परमानेंट सेटलमेंट का बात आया, अब यहाँ से परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया। शुरू में ये 10 साल के लिए चला और बाद में जाके ये परमानेंट हो गया, और इस तरह इसका नाम क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। यदि आगे बढ़ा जाए तो आप समझिए कि है क्या, तो ये क्या है इसमें कि जमींदार जो लैंड है उसमें क्या है कि जमींदार प्रेशर करेंगे फार्मर्स को कि पैसा दो, हमको पैसा दो, ठीक है, और जो पैसा दिया जाएगा उसका 10th/11th यानी कि 11 में जो 10 हिस्सा है वो ब्रिटिश को जाएगा, और 11 में जो एक हिस्सा है वो खुद जमींदार अपने पास रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ ये मत भूलिएगा, एक आपका सनसेट क्लॉज भी था जो कि 1784 में, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, और भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या है कि यदि कोई ज़मींदार रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मुताबिक वो काम नहीं कर पाता है तो उसका लैंड ऑक्शन कर लिया जाएगा, उसका लैंड क्या होगा, नीलामी हो जाएगा। तो यानी कि ज़मींदार भी सेफ नहीं है यहाँ पे, ज़मींदार परमानेंट नहीं है, ज़मींदार को भी कभी भी लात मार के हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट इतना हुआ, शोर जीत गए, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है, 10 साल का हो गया, ज़मींदार पैसा उठा रहा है, मगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको भी निकाल दिया जा रहा है सनसेट पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसका टोटल इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी पे, सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत पैसा को एक्सप्लोइट करके, पीजेंट्स एक्सप्लोइट करके पैसा बाहर चले गए, ठीक है। दूसरा क्या है, तो वही जब आप पैसा एक्सप्लोइट कर रहे हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है पीजेंट्स का, फार्मर्स का, जो कि सबसे वीकर सेक्शंस के लोग हैं। तीसरा, रूरल डिस्ट्रेस, रूरल एरियाज में क्या हुआ, त्रासदी आ गई, सब दिक्कत में, सब गर्त में, ठीक है दोस्तों। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट, करप्शन होने लगा, जमींदार में क्या हुआ, करप्शन होने लगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बताया आपको एक माइंड मैप, अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने नोट्स में बनाया है, जो कि मैं बच्चे लोगों को बताता हूं। अब मैं एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों, कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, कंपनी ऑफिशियल्स, जैसे अलेक्जेंडर डैवे, मैंने पहले भी जिक्र किया, डैवे, फिलिपिन फ्रांसिस, हेनरी पटोलो, ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट के लिए ये एक चिंतन कर रहे थे, थिंक टैंक के बारे में मैंने बताया था पहले भी। और अलेक्जेंडर डॉबे अपने एक किताब में, जिनका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, इसमें परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया फर्स्ट टाइम कोई दिया था, ठीक है, इसलिए इनको लूजली हम लोग फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और पीट इंडिया एक्ट 1784 में, जानते होंगे कि आप, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद एक आया था, ठीक है, पीट इंडिया एक्ट 1784, उसमें परमानेंट सेटलमेंट का कुछ अंग देखा गया था, ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ इसके बारे में बताया गया था। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्या, एक जब डिबेट हुआ तो दो स्कूल खड़ा हो गया, एक ग्रांट स्कूल है, एक आपका सोर स्कूल है, और सोर स्कूल जीत गया, और जीतने से क्या हुआ कि अब जमींदार को क्या होगा,
प्रॉपर पूरा कंप्लीट ओनरशिप मिलेगा लैंड के ऊपर, ठीक है दोस्तों। और आगे इसका फीचर्स क्या था, मैंने पहले ही बोल दिया कि 10/11 जो शेयर हो गए वो कंपनी को दिया जाएगा, और 1/11 जो शेयर होंगे वो क्या करेंगे, ज़मींदार खुद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और सनसेट क्लॉज के बारे में मैंने पहले बोला था, मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया, 1784 नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, 1794 में सनसेट क्लॉज को अप्रूव्ड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर क्या बताया गया कि जमींदारी राइट क्या होगा, ऑक्शन हो जाएगा, यानी कि लैंड ऑक्शन हो जाएगा यदि कोई ज़मींदार वो पेमेंट नहीं कर पाए टाइम पे लैंड रेवेन्यू को, ठीक है। यदि लैंड रेवेन्यू ठीक से आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते ब्रिटिश ऑफिशियल को, तो आपका क्या होगा, ज़मींदारी राइट ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा दोस्तों, मैंने पहले ही बताया इम्पैक्ट क्या हुआ कि पीजेंट्री का एक्सप्लोटेशन हो गया, ज़मींदारी सिस्टम का भी डिस्ट्रक्शन हो गया। यानी कि ज़मींदारी सिस्टम पहले क्या था कि परमानेंट ज़मींदार सिस्टम, अब तो ज़मींदार भी आपका परमानेंट नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, मतलब लैंडलॉर्डिज्म है, लैंड का जो वर्चस्व जिसको रहते हैं, जिसको रखते हैं, वो जो सिस्टम है वो है, मगर वो एब्सेंटी है, यानी कि क्या है, परमानेंट नहीं है। सिंपल सी बात है कि ज़मींदार भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, उसको भी कभी भी निकाला जा सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, पेजेंट डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, ये सभी चीज़ इम्पैक्ट्स हो गए। किसके इम्पैक्ट हो गए, परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है दोस्तों। आपने जान लिया कि रेवेन्यू पॉलिसी में फर्स्ट वन इज योर क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, उसके बारे में जाना दोस्तों आप लोगों ने। अब हम लोग जानते हैं दूसरा, जो कि मैंने पहले ही बताया था माइंड मैप में आपको, कि रोतबारी सेटलमेंट। रोतबारी सेटलमेंट क्या है, ये भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही है, क्या ही अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो मैं नोट्स से आपको बताता हूँ दोस्तों पॉइंट वाइज, कि जो अलेक्जेंडर रीड थे, इनको फादर ऑफ रोतबरी सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रयास किया कि जो मिडल मैन है, यानी कि जो ज़मींदार है, फार्मर्स ऑफिशियल्स, बीच में कौन है, ज़मींदार है जो पैसा उठाता है। और परमानेंट सेटलमेंट में देखा गया कि ज़मींदार के बीच में प्रेजेंस होने की वजह से क्या हुआ, दिक्कत हुआ, एक्सप्लोइटेशन हुआ पीजेंट्स का। ताकि अब इसलिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया कि मिडल मैन को रिमूव कर दिया, यानी कि अब पीजेंट्स है और ऑफिशियल है, डायरेक्ट संपर्क, ठीक है दोस्तों। और ये क्या था, डायरेक्ट सेटलमेंट था पीजेंट के द्वारा, पीजेंट के साथ, इसलिए इसको रोत बोला जाता है, रियोट, ROYOT, ठीक है दोस्तों, रोत मतलब ही होता है पीजेंट्स। अब जब रीड के बाद एक और बड़े शख्सियत आए जिनका नाम था थॉमस मुनरो, ठीक है, ये असिस्टेंट थे रीड के, और इन्होंने इस सिस्टम को बहुत बढ़िया से डेवलप किया। और ये स्पेशली जो नीचे का रीजन है, मद्रास रीजन, जैसे कि नेलोर जगह है, जगह नाम लेलोर है, अरकूट है, इस जगह पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, किसको, रोतबारी सेटलमेंट को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले कहा, इस मद्रास प्रेसिडेंसी में रोतबारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसको फिर बाद में चूँकि सक्सेस हो गया वहाँ पे, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। कौन किया इसको इम्प्लीमेंट, तो एलिफेस्टोन, ठीक है, LLIPHINST1 एलिफेस्टोन 1823 में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब चूँकि सक्सेस रेशियो इसका बढ़िया होने लगा, अच्छा होने लगा, वहाँ पे अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी होने लगा, तो ये आगे जाके भी सिंधरिया में, आसाम में, कुर्ग में, ये वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होने लगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह अब देखिए बहुत सारे जगह पे, देखिए अब ये तो बात हो गई कि वहाँ पे रोतबारी सेटलमेंट आपका कहाँ कहाँ हो गया, आपका एक आपका मद्रास रीजन में हो गया, फिर बॉम्बे में आया, फिर वो सिंध में चला गया, वो फिर आसाम में चला गया, ठीक है, इस तरह वो पूरे इंडिया वो चला गया। मगर एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी था कि मद्रास में, बॉम्बे में मिडल मैन का कमी था, ज़मींदार का कमी था, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सेटलमेंट होना। ये सेटलमेंट के हिसाब से क्या होता है कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्या है, संपर्क में आ जाते हैं पिजन्स के, ठीक है ना, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, मिडल मैन नहीं है। अब हम लोग तीसरा करते हैं, डेट इज़ योर महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। पहला क्या हो गया आपका, पहला क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड वन इज योर रोतबारी सेटलमेंट, एंड थर्ड वन इज योर नाउ महलवाड़ी सेटलमेंट। क्या है दोस्तों महलवाड़ी सेटलमेंट क्या, कि जो ग्रुप ऑफ विलेज है वो कलेक्ट करेंगे पैसा को, ठीक है। लगान मूवी देखा है आपने, लगान मूवी में क्या है, जब बाघा सब आता है, जब मूवी बनता है, सब आता है ना मुखिया उधर से लड़ने के लिए, और सब मुखिया क्या दौड़ के जाता है वहाँ पे राजा के पास, बोलता है कि हम
लगान मेरा माफ़ कर दीजिए, तो क्या है कि वो पूरा गांव का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहाँ पे मुखिया लोग। तो सेम महलवाड़ी सेटलमेंट भी कुछ ऐसा ही था। इसमें क्या था कि लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट करेगा वो पूरा होल विलेज करेगा या फिर ग्रुप ऑफ विलेज करेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से जमींदारी सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन था। ठीक है, और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंट्रोड्यूस हुआ था, सेंट्रल इंडिया में हुआ था जो कि अभी मध्य प्रदेश का पार्ट है, और पंजाब रीजन में भी हुए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंटेड के बेसिस में इसको अवध में भी इंप्लीमेंट किया गया, और मराठा कंक्वर्ड एरियाज जो मराठा जीते थे, जो मराठा के अंदर जो कंट्रोल में एरिया था वहाँ पे भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको दोस्तों? महलवाड़ी सेटलमेंट को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो असेसमेंट होता था, जैसे लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होगा कि भाई कितना कमाओगे तो कितना दोगे, तो इसका नेट प्रोड्यूस आप कितना कमाएं, आप कितना धान को उगा पाए, वीट को उगा पाए, क्रॉप्स को उगा पाए, उसके बेसिस पे होता था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब चूँकि जान रहे हैं कि फेमिन सिचुएशन, आगे हम लोग करेंगे फेमिन सिचुएशन, तो कि क्या हुआ, असेसमेंट क्या है, नेट प्रोड्यूस के बेसिस पे है। अब क्या हुआ कि जब विलियम बेंटिक साहब आए तो ये क्या किए कि थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिए। ठीक है, पहले क्या था कि जो आपका नेट प्रोड्यूस होता था उसके हिसाब से आपको 83% देना होता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैसिव है। यानी कि आप 100 प्रोड्यूस करें तो आपको 83 आपको देना है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, 83 को कम करके 66 कर दिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ, वो 66 से जाके फिर 50% चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपका ये आपका महलवाड़ी सेटलमेंट हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी सेटलमेंट और आपका ये महलवाड़ी सेटलमेंट। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों का इम्पैक्ट क्या हुआ, तीनों का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो मैंने पहले भी बोला था ये बात, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। नंबर वन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्री, प्लेजेंट का एक्सप्लोटेशन हो गया, इकोनॉमी इम्पॉवरिश्ड हो गया, यानी कि इकोनॉमी पूरा चरमरा गया, दिक्कत में, गर्त में चला गया। जो आपका एग्रीगेशन सिस्टम था, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिस्टम था, वो पूरी तरह से ध्वंस हो गया। क्यों? कमाई हो ही नहीं रहा, आप बार बार लैंड रेवेन्यू ले रहे हो तो कहाँ से किसान लोग दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ज़मींदार का जो ट्रेडिशन था, ज़मींदारी ट्रेडिशन था, वो भी ख़त्म हो गया, कि जैसे कि सनसेट क्लॉज के हिसाब से आप ज़मींदारी राइट भी छीन ले रहे हैं। उसके बाद रूरल इंडिपेंडेंस क्या है कि रूरल भी क्या, गर्त में चला गया, पैसा है ही नहीं खरीदने के लिए, इतना बुरा हाल हो गया। ठीक है, पीजेंट, आप देखिए, अब बुरा हाल हो गया तो क्या पीजेंट दौड़ रहा है मनी लेंडर के पास कि हमको, सर हमको पैसा दे दीजिए, हमको ब्रिटिश को भरना है। अब मेनलैंडर्स क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में उसे पैसा दे रहा है और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो समझ रहे कि रूरल डिस्ट्रेस कितने बुरी तरीके से हो गया होगा उस समय। ठीक है दोस्तों, फूड क्राइसिस हो गया, खाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, फूड क्राइसिस हो गया तो स्टार्वेशन हो जाएगा, वही स्टार्वेशन आगे जाके आपका फेमिन, सूखा वाला स्थिति में आ जाएगा। सूखा क्या, अकाल, खाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पीजेंट्स रिवोल्ट हो गया। आप इतना जब दिक्कत दिए, चारों तरफ से दिक्कत दिए हो पीजेंट को, तो आपको करेगा ही, दिक्कत देगा ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है अभी तो हम बता दिए, इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींच दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रिटिश फेमिन पॉलिसी क्या था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।